बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ये उनका अंतिम चुनाव है कहकर बिहार की सियासत की तपिश बढ़ा दी है। हालांकि नीतीश के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश के बयान को उनकी ही पार्टी जेडीयू भी अलग ढंग से देखती है, कई इसे इमोशनल कार्ड भी खेलना बता रहे हैं। आज बिहार में अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है। वैसे नीतीश की पहचान सधे हुए, मजे हुए और गूढ़ राजनेता के रूप में रही है। कहा जाता है नीतीश बिना सोचे समझे कोई बयान नहीं देते और उनके बयानों के कई अर्थ होते हैं। नीतीश कुमार की ये पहचान केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दिखाई देती है। नीतीश के बयान के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और जेडीयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस बयान को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन से जोड़ दिया। वैसे यहाँ आम लोगों की बात की जाए तो उन्हें भी नीतीश का यह बयान गले के नीचे नहीं उतरता दिख रहा है। लोगों का मानना है कि नीतीश का यह बयान वोट पाने के लिए एक जुगाड़ है, क्योंकि नीतीश आसानी से मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। आपको बता दें कि पूर्णिया के धमदाहा में गुरुवार को जेडीयू के प्रत्याशी लेसी सिंह के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। चार दशकों से राजनीतिक जीवन जीने वाले नीतीश कुमार 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज भी वो बिहार चुनाव में NDA के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमुख चेहरा हैं। बहरहाल जो भी हो, मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद नीतीश के राजनीतिक संन्यास को लेकर बहस तेज हो गई है। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में बिहार को विकसित राज्य बनाने का वादा करने वाले नीतीश बिना काम किए मैदान छोड़ देंगे, ये किसी को गले नहीं उतर रहा है। माना जा रहा है कि यही कारण है कि पार्टी के नेता अब सामने आकर बयान दे रहे हैं। फिलहाल आज अंतिम दिन का चुनाव चल रहा है, आज वोटिंग हो रही है। सुबह 10 बजे तक 10% से अधिक की वोटिंग बिहार में हो चुकी है। 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे और 10 तारीख को पता चलेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल नीतीश कुमार इस मामले में सबसे आगे चल रहे हैं।